टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंसान के रोबोट गार्ड्स को खड़ा करवाती, मुझे तो लगता है आज बाथरूम भी नहीं जाएंगे। मुझे तो लगता है इनको हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, हमारी शाम बर्बाद करेंगे। मूवी नहीं देख सकूंगी, इतना मेरा दिल था बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखने का। डोंट वरी, ये जंग हम फतह करके रहेंगे। ये जंग तुम बाद में फतह करना, पहले यहाँ से स्नीक आउट करवाओ। मैं करवाती हूँ, तुम मितित को कॉल करो, उसे बोलो रेडी रहे, जैसी मिस सिग्नल दूँ वहाँ से पकेंगे। तो ये इधर कब से ट्राई कर रही हूँ, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। हाँ, लेकिन मामा की 10 मिनट कॉल जरूर आ चुकी है। गॉड, शी स्टिल मैड एट मी। उसे क्या कर दिया मैंने? हेलो, आ हो गया इस लड़की को, फोन ही नहीं उठा रही है। अब बीबी जी ये वाली बेडशीट बिछा देते हैं। क्या हो गया जुबैर तुम्हें? देखो तो सही, जरा धुल धुल के सारी फेड हो गई हैं। अच्छा, कल जो मैं खरीद कर लेकर आई थी ना, उसमें से ब्लू कलर वाली वो बिछा देना, और जैसे भाई का कमरा सेट हो जाए ना, फौरन बाहर आओ, पूरे घर की दोबारा से डस्टिंग होनी है। भाईजान को ना इतना सा भी गट बर्दाश्त नहीं है। अब जाओ, खड़े क्या हो, जल्दी जाओ। ठीक है बीबी जी, ठीक है। यार क्या हो गया, फोन उठा लो। इग्नोर क्यों क्यों कर रही हो? जैसे तुम तो जानती नहीं हो, उन्होंने मामू के साथ मिलके जो मेरे गले में फंदा डाला है ना, उसकी वजह से मैं नर्वस हूँ। स्टॉप बीइंग सो ओवर ड्रामेटिक। यार कौन सा, तुम्हारी निकाह करवाने गन पॉइंट पे बात ही तो छिड़ी है ना, मना कर देना। शी इज सो कूल, शी इज अ केल। मामू के आगे ना उनकी सारी कूलनेस खत्म हो जाती है। मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे मामू आ कहाँ से? कनाडा से आ रहे हैं भाई साहब। वैसे तो मेरे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से सख्त मिजाज हैं। वो ऐसे थे नहीं, लेकिन जब वो कनाडा गए ना, तो शायद उन्हें इस बात का डर हो गया कि कहीं उनकी फैमिली वहाँ जाकर हाथ से ना निकल जाए। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे कज़न अमेरिका गए, और वहाँ जाकर उनकी फैमिली ऐसी फ्रंट हुई पूरे ख़ानदान से कि भाईजान को ये बात बस दिल में लग गई, और इस बात की वजह से ना वो और ज़्यादा सख्त मिजाज हो गए। वैसे बीबी जी, आपको कितना अरसा हो गया अपने भाई से मिले हुए? 10 साल हो गए हैं। शुरू के 5 साल तो भाईजान को कनाडा में रहना पड़ा, और बाकी के 5 साल किसी का आना जाना ही नहीं हुआ। अच्छा बीबी जी, मैं जरा गेस्ट रूम की डस्टिंग वगैरह कर लूँ। सुनो जी, फ्रिज को ना मिनरल वाटर की बॉटल से भर देना जी, और 1 हफ्ते तक जो भी खाना बनेगा ना घर में, वो सिर्फ मिनरल वाटर में ही बनेगा। अब दरअसल भाभी ना थोड़ी सी मिजाज की सख्त हैं, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई या उनका पेट गड़बड़ हुआ ना, तो भाईजान मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तो कहती हूँ गेस्ट रूम में भी 2 बॉटल्स रख दो मिनरल वाटर की। यू नेवर नो, मेरी भाभी पाँव भी मिनरल वाटर से धोती हूँ। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है मामू को ना डर है कि उनके सीधे सादे शरीफ से भोले से बेटे को कोई गोरी बका के ले जाएगी। चलते वो मेरी शहादत करना चाहते हैं। चलती रहो एक्सरसाइज करके।
वैसे मैंने सारी पैकिंग कर ली है ना, कितने दफा पूछोगी? हो चुकी है पैकिंग सारी। तुम जानती हो ना मुझे, मैं रेस्टोरेंट में भी 3 बार अपना ऑर्डर चेंज करती हूँ। आई कैन नेवर मेक माय माइंड। ऐसे होता रहा तो हो गई पैकिंग। वैसे तुम क्या करोगी यहाँ पे? एक हफ्ता गुजार लूंगी। हाँ अच्छा, इस सड़े हुए हॉस्टल में एक हफ्ता कैसे गुजारोगी? इनका बस सुनिए ना, तो यहाँ पे सलाखें लगा दें और तुम कभी भी नहीं निकल सकोगी। वैसे मेरी फैमिली का इतना नहीं है ना, पेशावर जाने के ना पैसे लगते हैं बहुत से। इतने ज्यादा? अच्छा इतने ज्यादा? गया बाथरूम जल्दी कवर करो मुझे पूरे थाले। अरे कौन के तो लगाओ सभी, तो हम निकलते हैं उसके बाद। नहीं जस्ट गो देयर, बाथरूम से निकल आएगा। मेरे कान 1 2 3 कोस्ट इज क्लियर। हम मचा श्योर। ओ माय गॉड, इसके मैसेजेस आना फिर शुरू हो गए। किसके? वही फांसी के। और किसके? फांसी यानी तुम्हारे कजन? हाँ तो इग्नोर करो। अच्छा और पूरा हफ्ता मैं कैसे इग्नोर करूंगी जब वो मामू और मामी के साथ क्रैश लैंडिंग करेंगे यहाँ पे? कसम से खुद कनाडा रहते और जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पे भेज देते। जैसे जस्टिन ट्रूडो बहुत प्यारे के डोनाल्ड ट्रंप की तरह। हाँ इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी हर बात मानती है। अम्मी ना मौलवी मामू जान के आगे कुछ नहीं बोल सकती। और कसम से राशा इतना बोरिंग लड़का है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सोशल मीडिया पे तो है ही नहीं ना, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना स्नैप पे। फेसबुक पे तो होगा। मैं यू 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 प्रोफाइल निकालूंगी उसकी जरा। रुको जरा। हाँ है तो सही लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं है। और अपनी कोई दोस्त सदियों पुरानी पिक्चर लगाई हुई है उसने अभी तक, वो भी एनेक वाली। ऐसे लगता है जैसा एनेक वाला जीन हो कोई। कौन छुपके बैठेगा? ओ क्या नाम है? ओएस? अवेस खालिद। ओएस ओस या एस? आई थिंक एस ए या। ये ये आदमी है क्या बन कबाब? हाँ यही है। और तुम्हें पता है इसने आखिरी स्टेटस 2 साल पहले लगाया हुआ था और ऐसे फलसफे झाड़ रहा था जैसे पता नहीं, मैं तो पढ़ के भी पागल हो रही हूँ। तुम्हारा इसका कोई मैच नहीं है। और उसे मत थिंकिंग सीरियसली। इसलिए तो मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ। अच्छा है ना, थोड़ी इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाएगी। एक मिनट, क्या इमोशनल सपोर्ट? कौन किधर जा रहा है? अब वो मैंने मामा को बता दिया कि तुम मेरे साथ आ रही हो, उन्हें पता चला तो उन्होंने भी बहुत इंसिस्ट किया तो तुम साथ चल रही हो मेरे। हाँ, किसने? मुझे कैजुअलिटी बनने का कोई शौक नहीं। कम ऑन यार, तुम कैसी दोस्त हो मेरी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं इतना कर सकती? नहीं, नॉट ओवर माय डेड बॉडी, नेवर हैपनिंग। यहीं से कूद जाऊंगी लेकिन जाऊंगी नहीं। अच्छा तुम ऐसे करो, अपना कफन ना डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या पहनने। कल सुबह गाड़ी आ रही हो, तुम मेरे साथ चल रही हो। डेड और अलाइव आई नीड यू, दैट्स इट।
hate you. I love you. Love you so much. You are my bestie. तुम क्लास चल रही हो ना मेरे? चल रही हो? चल रही हो साथ? हाँ तुम साथ चल रही हो. Thank you so much. बहुत जिद्दी हो तुम. अपनी मनमानी करके रहती हो. I know. तभी तो मैं साथ लेके जा रही हूँ. Thank you. वालेकुम अस्सलाम. हाउ वाज द राइड गाइस? फाइन. इट वाज ग्रेट. अच्छा मैं ये सोच रही थी कि हम तीनों कहीं बाहर चलते. ओनली थ्री ऑफ अस. क्यों? आपके वो चहीते भाई कनाडा से नहीं आ रहे? और अगर वो आ गए तो क्या सोचेंगे? तीनों लड़कियां ऐसे अकेले बाहर घूम रही हैं. भाई भाईजान तो शाम में आएंगे ना, और जब तक वो आएंगे हम लोग वापस आ जाएंगे. ठीक कह रही हूँ ना राशा? हाँ तब तक आप अपनी आजादी एंजॉय कर लें, क्योंकि वो आ जाएंगे फिर तो मार्शल लॉ लगने वाला है ना. अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जमाना बहुत बदल चुका है. मगर अफसोस कि जमाना आपके भाई को नहीं बदल पाया. वैसे एक बात बताएं, ये आपके भाई कब तक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रहेंगे? अरे तुम तो जानती हो ना, भाईजान के बहुत से दोस्तों की फैमिलीज हैं वहाँ पर. उनके बच्चे वहाँ जाकर थोड़े बागी हो गए हैं, बस इसी वजह से भाईजान ऐसे हैं. अदरवाइज मेरे भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है. बिल्कुल. और मुमानी को तो खुली छूट दी हुई है, उनका जो दिल करता है वो करती है. मगर इतना ही डर है तो अपनी औलाद की फिक्र करें ना. मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या हो गया बेटा? बात ही तो हुई है. अच्छा ठीक है, अगर पसंद नहीं है और भाईजान ने दोबारा से जिक्र किया ना मंगनी करने का, तो हम मना कर देंगे. ठीक, अब अपना मूड ठीक कर लो. अब राशा थोड़ी सी अकल इसे भी दे दो बेटा, समझाओ ना इसे. राशा मेरी दोस्त है और मेरी साइड लेगी. That's true, auntie. तो ठीक है भाई, करो तुम लोग अपना मूड खराब, मैं जा रही हूँ, अकेली चली जाती हूँ. जी जी बिल्कुल, शौक से जाइए. वैसे भी पूरा हफ्ता तो चादर और चार दीवारी में ही गुजरना है. हाँ क्या हो गया है? सही तो कह रही थी आंटी. तो इस मसले का मुझे खुद ही हल निकालना पड़ेगा. क्या कर रही हो? मैं अवैस को मैसेज कर रही हूँ. क्या मैसेज करोगी? यही कि वो इस रिश्ते से खुद ही मना कर दे, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं. Have you lost your mind? ये सब कुछ मैसेज में लिखोगी? बेहतर नहीं इंसान आमने सामने बात कर ले. Sorry, it's too late. मैसेज सुन. बस भी कर दे, स्टॉप भी कर दे. खालिद साहब आप सारे रस्ते उसका ब्रेन खाते आए हैं. हर कहना आपका मानता है, फिर भी पता नहीं आपको क्यों बुरा लगता है. मुझे समझ नहीं आती है. देखो खालिदा, मैं अपने उन दोस्तों की तरह का नहीं हूँ जो अपने बच्चों से डरते हैं. अजहर साहब का हाल देखा है? क्या किया उसके बेटे ने उसके साथ? आप अपने आप को ना हर किसी के साथ कंपेयर कर देते हैं. आपका बेटा तो आपकी बात मानता है ना, फरमा बरदार है आपका बेटा. तो फिर मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? उसको अच्छी तरह पता है कि मैं जो करता हूँ उसकी बेहतरी के लिए करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. प्रिया कैसी हो? कैसी हो? मैं ठीक हूँ. कैसी है भाभी? मैं बिल्कुल सोनी थी सोनी. प्लीज बैठे ना भाभी, इधर आए, यहाँ बैठे. ये बताइए कि आपकी फ्लाइट कैसी रही, सफर कैसा गुजरा? फ्लाइट बस ठीक थी. नहायत ही बेहुदा किस्म की मूवीज लगाई हुई थी. मैं तो 18 घंटे सोता हुआ आया हूँ. तौबा तौबा, मैंने तो लॉट्स ऑफ फन की है. अच्छा फरिया ये बताओ तुम्हारी साहबजादी किधर है? यूनिवर्सिटी से तो आ गई होगी ना? जी भाईजान वो सुबह ही आ गई थी. वो तो बुलाती हूँ अभी. जुबैर जी 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 बीबी जी मेहमान आ गए जी. अस्सलाम वालेकुम जी. जाओ जरा हानिया बीबी को बुला के लेकर आओ. अच्छा जी अभी बुला के लाता. और अगर वो ना मानना तो? कैसे नहीं मानेगा,
वो कौन होता है ना मानने वाला? मेरा फैसला हनी अब बीबी जी आपको नीचे बुला रही हैं, मेहमान आ गए। आप उन्हें जाके कहते हैं कि मैं सो रही हूँ। आप जाएं, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। तुम पागल हो गई, पूरे हफ्ते सेल्फ एग्जाइल में रहोगी, मुझे ऐसी फजूल में घसीट के ले आई हो? जरूरत तो अब तुम्हारी पड़ी है। मतलब ये कि अवैस ने अभी तक मेरा मैसेज देखा नहीं है, कोई ब्लू टिक मार्क नहीं है, तो उसको सब कुछ जाके तुम बताओगी? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है सांप की खोपड़ी में हाथ डालने की। तुम यहाँ ब्लू टिक का वेट करो, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तो बाहर के हालात देख के बता दो, और अगर मौका मिले तो प्लीज मेरा मैसेज दे देना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये हानिया है, ये बहुत डिफरेंट ही हो गई। अरे नहीं भाभी, ये हानिया की दोस्त है राशा, यूनिवर्सिटी में उसके साथ ही रहती है। एमए। माशाल्लाह, तुम भी कंफ्यूज होगी ना मेरी इंग्लिश से, दुनिया होती है, कौन सी वक्री बात है। भैया वैस कहाँ रह गया, किधर है नालायक? राशा, आई थिंक ही नीड्स योर हेल्प, प्लीज जाके देखो उसे। बेटा जी, उसको कहना कोरोना में से मेरा स्टफ जो है ना बहुत केयरफुली निकाले। गाड़ी की बात हो रही है। ये वैसे लड़की थी कि लड़का था, समझ ही नहीं आई। हानिया की दोस्त हूँ, छुट्टियों में साथ आए हुए ना, तो इसलिए कॉलेज फ्रेंड्स हैं हम लोग। आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो बताइए। नहीं है भी, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, कॉलेज में दोस्त होने के साथ साथ ना हम लोग कॉलेज में बास्केटबॉल के चैंपियन भी हैं। लग ही रहा है। किस तरफ जाना है? आप ये मुझे दे दें, मैं कनाडा से ये सामान नहीं लाया। मंटू के अफसाने भी पढ़ते हो? हैं, पढ़ते हैं। इसमें हैरान की वाली कौन सी बात है? He's my favorite writer. ये स्केचिंग भी करते हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी काटा पीटी कर लेता हूँ। बड़ी इंप्रेसिव काटा पीटी कर लेते हैं आप। आपको तो ज्यादा बोर होना चाहिए। थैंक यू। नजर नहीं आ रही, कहाँ है? हानिया के बारे में ही बात करनी थी आपसे। कहिए। अब अवैस बेटा,
अब इस बेटा तुम इस आउटसाइड क्या कर रहे हो, सब उस आउटसाइड है और वो तुमने तमाम ब्रीफकेस काउंट कर लिए ना केयरफुली? ठीक कर लिया। अच्छा मैं भी वहाँ आउट हो रही हूँ क्योंकि सब वहाँ आउट हो गए, तुम भी आउट हो जाओ जल्दी से। एक्चुअली कुछ साल पहले अम्मी को इंग्लिश का दौरा पड़ा था, अभी रिकवरी चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। I can understand. आप भी आउटसाइड आउट हो जाओ वरना हम आपको टेक इन कर लेंगे। चाय कैसी थी जी? बहुत ही मजेदार। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बदल गया ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसे कनाडा की आबो हवा रास आ गई है। नहीं जी वहाँ पे तो विंड और आइस के अलावा कुछ होता ही नहीं है, कूल ही कूल, और मैं तो इतनी कूल रहती हूँ ऑल टाइम कूल। क्यों बेटा जी? और हैंडसम क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हो तुम? पप्पू अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई है, मास्टर्स का प्लान है। शौक क्या है तुम्हारे और करना क्या चाहते हो? आप शौक का पूछ रहे हैं या मास्टर्स का? क्योंकि दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। इंजीनियरिंग कर रहा है ये अपने बाप की तरह। आप लोग बहुत थक गए हैं ना, चले मैं आप लोगों को रूम्स दिखा देती हूँ, आओ बेटा। रिपोर्टिंग। बात हुई? नहीं यार, एंड टाइम पे तुम्हारी खालदा मुमानिया टपक पड़ी। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे जो मामू हैं उन्हें अपना नाम इतना पसंद था कि अपने नाम जैसी वाली से शादी की, खालदा खालिद। हाँ उन दोनों की पसंद की शादी थी, और मामू का ना रोप सिर्फ अम्मी पे ही चलता है। लव मैरिज? दोनों में से सिर्फ एक ने ही लव किया और दूसरे ने बर्दाश्त। वैसे लड़का इतना बुरा नहीं है, मतलब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करती, बट ही सीम्स सो क्यूट, नॉट जस्ट लाइक व्हाट ही डिस्क्राइब्ड। हाँ वैसे आई हाईली डाउट अबाउट इट, क्योंकि देखो वो बाहर से जैसा भी हो लेकिन अंदर से तो मामू जैसा ही होगा ना, मामू की कॉपी पेस्ट। मेरे मामू का तो बस चले अपनी पालतू बिल्ली को भी बुरका पहना के रखें, क्योंकि वो भी ना महरम ना हो। हानिया? अरे ये क्या है बेटा? लिसन, राशा कह रही थी तुम सो रही हो, तुम तो जाग रही हो। आंटी अभी अभी जागी है। कोई जरूरत नहीं बहाने बनाने की, मैं नहीं सोई थी, मैं जाग रही हूँ और मेरी आंखें खुली हैं, मैं सब कुछ देख रही हूँ। अभी तक वही गुस्सा लेके बैठी हो, कहा ना बेटा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, अब मूड तो ठीक करो प्लीज बेटा। फिर आप इसी मसले को संभालें प्लीज। अच्छा देखो प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, इतने अरसे के बाद वो लोग पाकिस्तान आए हैं, और हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों से इग्नोर करो, और आज शाम में ना तुम दोनों से लेके कहीं बाहर जाओगी, समझ गई? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। हानिया प्लीज बेटा, तुम जानती हो ना मेरे सर पे कितने काम है। तो वाओ लगता है फिर से बोर हो रहे हैं आप, बड़ी इंप्रेसिव काटापीटी कर रहे हैं। नहीं बस वैसे ही। अरे भाई आपको तो फखर होना चाहिए अपने हुनर पे, छुपाना नहीं चाहिए। ये हुनर फरागत और बोरियत तक ही महदूद रहे तो अच्छा, मैंने कौन से परसू करना? वो क्यों? है कुछ रीजंस, छोड़ो। टाइम क्या हो रहा है? वो असल में मैं फोन अपना कहीं रख के भूल गई हूँ ना, सो पता ही नहीं चल रहा टाइम क्या है। It's 7 o'clock. अह
फरिया आंटी कह रही थी कि एक्चुअली वो पूछ रही थी कि आपका फोन चल रहा है कि नहीं, वो वाईफाई पासवर्ड वगैरह मैं डाल के दे देती हूँ आपको, आप फोन दे दें अपना। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने अपना कनाडा वाला फोन बंद किया हुआ है, यहाँ कहाँ जरूरत पड़नी है उसकी। फिर भी अरे भाई जरूरत पड़ जाती है क्या? आप लैंडलाइन के जमाना थोड़ी या कॉर्डलेस फोन लेके घूमेंगे, आप दे ना फोन, मैं डाल के दे देती हूँ। एक्चुअली कभी कभी इंसान को अपना फोन बंद कर देना चाहिए, बहुत सुकून मिलता है। आपको ट्राई करना चाहिए। श्योर, आई गेस। तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये मुसफरी फिर शुरू कर दी तुमने? मैंने आपसे कहा है कि मेरा शौक है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। आपके कहने पे इंजीनियरिंग कर ली है ना, मास्टर्स भी उसी में कर रहा हूं। अब किस बात की शिकायत आपको? और तुमने मेरी उस बात पे गौर किया या नहीं? वो बात भी माननी है तुमने। वजह पता चल गई आपको? अवैस? Yes. Oh my God, you have changed a lot, man. Hopefully for the good. मुझे तो तुम थोड़े वो different याद हो। थोड़ा सा नहीं, काफी different था मैं, और मेरे लिए बदलना जरूरी था, है ना? बिल्कुल। एनीवे वो पुप्पो कह रही थी कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मैंने तो कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है, but she insisted. अब नहीं, चलते हैं ना, अच्छा है, हम थोड़ा घूम फिर लेंगे और थोड़ी गपशप हो जाएगी। चलो, if that's the case, then I'll be looking forward to it. तो फाइनली लगता है मुलाकात हो ही गई। क्यूट है ना? हाँ, मगर शक्ल ही तो सब कुछ नहीं होती ना, पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। अब पर्सनैलिटी में और क्या होना चाहिए? थोड़ा वेल ट्रेवल्ड हो, क्रिएटिव हो। बाय द वे, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जनाब स्केचिंग भी करते हैं, क्रिएटिव। मंटो मेरा भी फेवरेट राइटर है। वी बोथ हैव सो मच इन कॉमन ना। हैरत है, कभी हमारी आपस में बातचीत नहीं हुई, वरना अच्छी दोस्ती हो सकती थी। हाँ, बट नेवर टू लेट। राशा एंड हानिया, हाय, कैसे हो तुम लोग? हाँ, बस शुक्र है, हॉस्टल नामी जहन्नुम से जान छूटी है कुछ दिनों के लिए। हाय, दिस इज मिद्दत। Nice to meet you. Hi, I'm Ovais. Nice to meet you. Oh really? It is nice to meet me. Sure. I will join you guys. जाने से कहते हैं fit या fit in. If you guys will excuse me, I'll be back in a minute. Sure. Okay. He's so cute. कौन है ये? हानिया का कजिन है। ओह वाओ, अपने ऐसे कजिन से तो रोज रोज मिलवाया करो। मेरे तो अजीब नमूने हैं, फुफो के खाला के बेटे। आर्टिस्ट भी है। हाय, कहाँ मिलते हैं इतने हैंडसम लड़के? हमारे हॉस्टल के बाहर तो अजीब लफंगे स्क्रैचेस मारते फिरते हैं, देखने को दिल नहीं करता इनको।
प्रिया बच्चे बाहर चले गए? जी भाईजान, वो लोग खाना खाकर ही आएंगे घर। गुड, मेरे ख्याल में फिर यही मुनासिब वक्त है कि हम उस बात को कंटिन्यू करें। कौन सी बात भाई साहब? वही बात जो मैंने टेलीफोन पर तुमसे की थी कि उनकी शादी की तारीख रखनी है हमने। तो फिर क्या तारीख रखें? तारीख भाई साहब, वो वैस और हानिया से पूछे बगैर मैं कैसे तारीख रख सकती हूँ? जिंदगी तो उनकी है ना भाई साहब, और उनसे पूछे बगैर तो नहीं कुछ कह सकती। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जो फैसला करूंगा तो वैसे उसको बिल्कुल मानेगा। वो मेरे दोस्तों के बेटों की तरह नहीं है गुस्ताख। जो मेरा फैसला है वही वैस का फैसला है। जिंदगी तो उन दोनों को गुजारनी है ना भाई साहब, तो जिंदगी का फैसला भी उन्हीं दोनों को करना चाहिए। देख रही हो खालदा, ये पाकिस्तान वाले हमसे कहीं आगे निकल गए। मैंने पूरी जिंदगी कनाडा में गुजारी है लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूला मैं, और तुम? हाईली डिसअपॉइंटेड। ठीक है ना जी, अभी लॉट्स ऑफ डे पड़े हुए हैं, जरूरी है कि हम फर्स्ट डे ही इस टॉपिक पे स्पीच करें। हम किसी और बात पे भी स्पीच कर सकते हैं, क्यों फरिया डार्लिंग? जी भाभी। चाय लीजिए ना भाई साहब। लिपस्टिक चेक कर लो अपनी, यहाँ सिल गई यहाँ। मैंने तुमसे कहा था ना, लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा मुल्क चेंज हो गया, लेकिन मामू नहीं बदल सके बेटा। यार, टू बी ऑनेस्ट, आई रियली एंजॉय हिज कंपनी, बहुत आजाद ख्याल का लगा मुझे। अच्छा, मगर इस एल्फी का क्या करें, चिपा की गई है ये तो। क्या बातें कर रही हो? यही बातें कर रही हो ना कि अपने कजन से मेरी सेटिंग कैसे करवाओगी? शाबाश शाबाश प्लानिंग करो। गालबन, तुम सेटिंग की जगह अपसेटिंग की बात कर रही हो। हाँ, तुम दोनों बहुत शरीर हो। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? सच्ची? Did you guys order? नहीं, आपका ही वेट कर रहे थे। नहीं, I'll have whatever you guys are having. वैसे आप बाहर से आए हैं तो मिर्चें मिर्चें तो खा लेते होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ, लास्ट टाइम मैं दोस्तों के साथ मेक्सिको गया था, बैकपैकिंग करते थे, वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई किया था, अगर वो सर्वाइव कर गया हूँ तो आई थिंक यहाँ इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है ना आपको? बहुत। मुझे भी बहुत शौक है, मेरा तो दिल चाहता है मैं अगले जन्म में जहाज बन के पैदा हूँ। हाँ, और तब भी तुम इसी टेबल पर क्रैश लैंड कर रही होगी। और कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है आपने? अब काफी जगहों पे, लैटिन अमेरिका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। एक्चुअली मुझे ना वहाँ बड़े बड़े होटलों में ठहरने का शौक नहीं है, आई प्रेफर कि मैं वहाँ के लोकल्स के साथ रहूँ, कल्चर का आइडिया बेहतर होता है। He's so cultured, लगते भी हैं। वैसे मामू कुछ नहीं कहते आपको कहीं पे भी जाने देते हैं? आप को तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं उनसे काफी मुख्तलिफ हूँ। खाना कुछ डिसाइड किया है? वैसे यू जस्ट यू नो नीड टू ट्राई देयर चिकन बिरयानी, इट्स बेस्ट। ब्रिंग इट ऑन। आई बेट योर माउथ विल बी ऑन फायर। वी'ल सी। आप कल शाम क्या कर रहे हैं? हमारे आर्ट गैलरी में बहुत अच्छा सा फंक्शन है, कैन यू ज्वाइन अस? कैन यू ज्वाइन मी? आई थिंक इट डिपेंड्स, अगर फैमिली का कोई प्लान ना हो बता देंगे आपको। I will wait for you. तुम भी ना। क्या सोच रही थी? सच बताओ। हाँ सच बताओ। यही कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, उसे एक चांस तो दे देती। अच्छा जनाब,
जो पिछले दिनों अपनी अम्मी के कंधों पर बंदूक रख के फायरिंग करी थी उसका क्या भूल गई? ओह शूट, क्या हो गया? क्या हो गया? थैंक गॉड उसने मैसेज नहीं देखा अभी तक. हाँ तो मैंने बताया तो था कि उसका कनाडा वाला फोन बंद है तो वो मैसेजेस नहीं चेक कर रहा. लेकिन अगर वो कर लेता चेक तो उसको तो यही लगता ना कि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. तो फिर अब हमें किसी तरह ना उसका मोबाइल लेना होगा और फिर उसके मोबाइल से हम मैसेज डिलीट कर देंगे. Have you lost your mind? हम तुम उसका मोबाइल चोरी करोगे? छी, चोरी करने को कौन कह रहा है? मैं चोरी नहीं करूंगी, उसका मोबाइल बोरो करूंगी उसको बताए बगैर बस. मुल्क के सारे चोर और सियासतदान यही लॉजिक इस्तेमाल करते हैं. तो मैं कौन सा फोन उसका आगे बेच रही हूँ? हम बस मैसेज डिलीट करके वापस जगह पे रख देंगे. और ये बोरो करने वाली डकैती कौन डालेगा? भाई सुबेर भाई जाग रहे हैं आप अभी तक? हाँ वो एक्चुअली मुझे पानी पीना था इसलिए किचन में गया था और नींद नहीं आ रही थी. पानी पीना अच्छी बात है, इससे स्किन भी ग्लो करती है. एक और ग्लास पानी पिए आप. नहीं मेरे लिए इतना ग्लो काफी है. आप क्या कर रही हैं इस वक्त? योगा. योगा इस वक्त रात को यहाँ बाहर ठंड में. हाँ यही तो वक्त है. स्ट्रेंज इट्स ओके. अच्छा जा रास्ता. आप कहाँ जा रही? मैं कमरे में जा रहा हूँ और क्या. अब नींद नहीं आएगी ना आपको? योगा करे ना मेरे साथ. Are you serious? Why not? नहीं मैं. आये 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 बैठे. मैं इस वक्त ठंड में नहीं बैठा प्लीज. खड़े होके कर लेंगे. Feet hips apart. Hips apart. मजाक तो नहीं कर रही हूँ ना. योगा है या किसी बुजुर्ग की रूप ला रही हो? ऐसे ही होता है मेरा योगा. काम रहे हो जाए. Stop making this sound, please. घबराए नहीं करी. पीछे नहीं देखती. करते रहे, घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं होगा. योगा काम लगता है आपका.
बिल्कुल भी काम तुम्हें पता है? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। अच्छा ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है समझी। अगर तुम्हें भी जरूरत पड़ती ना तो मैं भी तुम्हारे काम आती। शुक्रिया लेकिन अब ये नया मसला शुरू हो गया। अब क्या हुआ? फोन का पासवर्ड कौन ढूंढेगा? आप खुद। तो कोई काम ढंग से नहीं हो रहा यार। जिंदगी में तुमने कोई ऐसा काम किया है जो ढंग का हो? व्हाटएवर। और पहले से पहली बात मैसेज करने की जरूरत क्या थी? हाँ तो अब हो गई गलती, क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं। और ये जो तुम्हारा घड़ी घड़ी माइंड बदलता रहता है ना, अगर कल को बदल गया वापस से तो दिल उकता गया उससे तो क्या करेंगे हम? पॉसिबल है। ये बेवकूफों वाली हरकतें बंद कर और जाके सो जा। लेकिन अगर मेरा कल तक माइंड चेंज नहीं हुआ तो सही है ना, कर लूंगी कुछ, ढूंढ लूंगी पासवर्ड। अब सो जाओ जाओ जाओ। I love you so much, Namaskar। वो कहते हैं ना कि जो दोस्त फितरतन मुश्किल वक्त में काम आए वो दोस्त होते, और जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम ना आए वो फितरतन दोस्त नहीं होता। दोपहर होने वाली है। छुट्टियों में हमारी सुबह इतनी बजे होती है। मैं कब से जाग रहा हूँ, बोर हो रहा था, सोच रहा हूँ वॉक पे जाऊँ। किधर? कहीं भी चला जाऊंगा, ये थोड़ा सा काम बाकी है। क्या काम? काटा पीटी? वो तो कब से छोड़ दिया। एक्चुअली अपने मास्टर्स के पहले सेमेस्टर के कोर्सेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। जबरदस्त, कौन से? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और सिर्फ इंजीनियरिंग। आर्ट्स? आर्ट्स नहीं है कोई। सेंसिटिव टॉपिक है, छोड़ो इस बात को। ओके, लेकिन मैं कहूंगी कि मैं सेंसिटिव टॉपिक से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। आई डाउट इट, मेरे अब्बा को नहीं जानते। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके कंप्यूटर से ईमेल करनी थी, कैन आई डू इट? श्योर। पासवर्ड तो होगा शायद। पासवर्ड। थैंक यू। वैसे तुम्हें सेंसिटिव टॉपिक के बारे में क्या जानती हो? मेरे पेरेंट्स भी बहुत कंजर्वेटिव हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉलेज में बास्केटबॉल टीम में हिस्सा लेना चाहती हूँ, फौरन मना कर दिया। फिर क्या? मैंने भी किए बहुत से सवाल। सवालों के जवाब मिले? जवाब से पहले एहसास हुआ। क्या? यही। जरूरी नहीं कि जो पेरेंट्स आपके लिए फैसला करें वो दुरुस्त हो। हम इंसान हैं और गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं ना। अगर बड़े तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ लेकिन सोचा जाए तो कभी कभी बड़ों को भी हमारी गाइडेंस की जरूरत होती है। कैसे? जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं जिनसे पेरेंट्स अपनी औलाद से बहुत कुछ सीख जाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए?
फैसला आपने करना है, मैंने नहीं। हाँ लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि टैलेंट एक तोहफा होता है और उस तोहफे को जाया नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। All done. Thank you. Thanks to you. और मैं फोन रखने नहीं जाऊंगी, रुक जाओ। अच्छा मैसेज, ये क्या डिलीट। Hey guys, what a surprise! ऐसे सरप्राइज से तो अन्याय बचा है, ये इतनी कहाँ से टपक पड़ी? तुम तो कहती कि वैसा गेला गया वहाँ पे। मुझे क्या पता ये गुड़ खड़ा रहोगा कहाँ, तो था गिरा जाएगा। तुम लोग रेडी हो? हाँ मगर तुम दोनों, मेरा मतलब ये कैसे? क्या कैसे? ये सब It's a coincidence actually. जहाँ मैं वॉक कर रहा था वहीं पे ये भी वॉक कर रही थी, तो हमने सोचा इकट्ठे वॉक कर लेते हैं। काफी अच्छी कंपनी रही। तुम लोग तैयार हो जिसके में 5 मिनट साथ join guys। तुम वॉक करते करते घर चली जाती, रुक क्यों गई? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब कि वॉक करना अच्छी बात होती है, वॉक करते रहना चाहिए, कहीं तुम्हारे स्टेप्स दिन के कम नहीं हो जाते, इसलिए घर चली जाती तुम। अरे नहीं, मुझे तो ओएस ने बताया कि तुम लोग बाहर घूमने जा रहे हो, तो मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन कर लूं। क्यों, अच्छा आइडिया ना? क्यों सोचा तुमने? मतलब सोचने से दिमाग पर बोझ पड़ता है ना। और अभी वो सामने नहीं है ना, तो बोझ उतारूं मैं? अरे गाइस लेट्स जस्ट गो, गाड़ी में बैठे हुए आ जाएगा। हानिया तुमने बताया नहीं होगा इस आर्टिस्ट की। मैं बताती हूं। भाई साहब ठंड बहुत बढ़ गई है, कॉफी मंगवा लेती हूँ आपके लिए। नहीं थैंक यू, इसको मूड नहीं है। तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा उस टॉपिक पे जो मैंने तुमसे बात की थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कनाडा जाने से पहले एक मंगनी की रस्म हो जाए। रस्म? इतनी जल्दबाजी में भाईजान? हाँ तो फजूल टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि उसके मास्टर पूरा होने से पहले वो कमिटेड हो जाए, मेरे दोस्तों के बच्चों की तरह फजूल अवारा गर्दी में ना पड़े। आप क्या हर किसी को अपने बच्चे के साथ मिला लेते हैं? हमारा बच्चा ना बहुत फरमाबरदार है, आपको लेट डाउन नहीं करता। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, कनाडा जाने से पहले मंगनी जरूर होगी। भाईजान जिनको कमिटमेंट करनी है, बात भी अगर उनसे की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अवैस की क्या मर्जी है? वही जो मेरी मर्जी है। ये आप यकीन से कैसे कह सकते हैं? भाई वो मेरी औलाद है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? तुम अपनी बेटी की बात करो। तो फिर ठीक है, मैं अपनी औलाद की बात करती हूँ। मेरी बेटी इस मंगनी की फेवर में नहीं है। क्या? ठीक सुना आपने, अवैस मुझे बहुत पसंद है, मेरा भतीजा है वो, लेकिन फैसला तो हानिया ने करना है ना। ये कैसे कैसे अजीब ख्याल है तुम्हारे? मेरे ख्याल अजीब नहीं है भाईजान, अगर मेरे वक्त में आपने और अम्मी अबू ने ऐसा सोचा होता ना, तो आज आपके फैसले की सजा मैंने भी काटी होती। तुम अपने शौहर की बात कर रही हो? मैं अपने एक्स हस्बैंड की बात कर रही हूँ। इसमें भी कसूर हमारा ही है। अब छोड़िए भी पुरानी बातों को, मैं वो नहीं करूंगी जो आप लोगों ने मेरे साथ किया।
मैं अपनी बेटी को अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक दूंगी। आलदा बेगम सुन रही हैं आप, हम कुछ सालों के लिए बाहर क्या चले गए, यहाँ के तो तौर तरीके ही बदल गए हैं। हमारी भांजी हमसे गुस्ताखी कर रही है। भाईजन उसने गुस्ताखी नहीं की है, अपनी राय का इजहार किया है और मैं समझती हूँ कि ये उसका हक है। मैं देख रहा हूँ बहुत डील दे रखी है तुमने उसको। भाईजन जिसे आप ढील कह रहे हैं ना, मैं उसे इज्जत समझती हूँ। मेरी फैमिली छोटी जरूर है लेकिन मेरे घर का यही रिवाज है। क्या घर फैमिली रिवाज? किस घर और फैमिली की बात कर रही हो तुम? और तुम मुझे बताओगी कि घर कैसे चलाया जाता है? मेरा घर तो बरकरार है, कम से कम टूटा तो नहीं। वॉच योरसेल्फ भाईजान, आप गुस्से में हद पार कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी कहना है तमीज के दायरे में रहकर कहें। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं इज्जत करती हूं आपकी, लेकिन आपको चाहिए कि आप भी अपने आप को इस इज्जत के काबिल बनाएं। इस बात को अपनी अना का मसला मत बनाएं। खाला ये क्या कह गई है? जो भी कहकर गई है ना सही कहकर गई है। कुछ गलत कहा है मैंने? कुछ नहीं, आपने बहुत ज्यादा ही गलत कहा है। जाके ना अब अपनी बहन से माफी मांगे। It was good. मैं 2 मिनट में आया। He's such a gentleman यार, बिल्कुल बड़ी है। तो मैं पता नहीं क्यों अजीब सा लगता। नहीं, मुझे पहले अजीब सा लगता था, मगर 10 साल के बाद इतना मैच्योर हो जाएगा अंदाजा नहीं था। आ गए तुम लोग? जी मामा, और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया हमें। हम ग्लैड बेटा, हम बड़ों की बेवकूफी की वजह से तुम दोनों में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, बल्कि मामा मैं आपसे कहना चाह रही थी कि डोंट वरी, मैंने भाईजान से बात कर ली है, आज के बाद मंगनी का कोई जिक्र नहीं होगा, प्रॉमिस। अब ये इसका मतलब है कि इस बात की वजह से तुम्हारी अम्मी और मामू की लड़ाई भी हुई होगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं खुद उससे बात करने जा रही हूँ। मैं बात करके आती हूँ। क्या कहूँगी? मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मेरी पुरानी हरकतों की वजह से मामा और मामू के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी बहन मेरी इकलौती ख्वाहिश को इस तरह रद्द कर देगी। इनकार पुपो ने नहीं, हानिया ने किया। हानिया बच्ची है, ना समझ है, उसको क्या पता इन बातों का? उसकी जिंदगी का मामला और उसको पता नहीं होगा? सही कह रहा था मैं। अगर फरिया ने अपनी बेटी की परवरिश इस तरह की होती जिस तरह मैंने की है तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अपनी औलाद की बात को समझने को गलत तरबियत का नाम मत दे। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा हानिया पे? गुस्सा नहीं, रश कर रहा है मुझे उस पर। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हानिया इस मंगनी से मना ना भी करती तो मैं कर देता। खुल के बात करो, क्या कहना चाहते हो? वही जो आपने सुना है, आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आप करते आए हैं और मैं चुपचाप सब कुछ कबूल करता रहा। तो फिर क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपके दोस्तों के बच्चों की तरह मैं गुस्ताख बन जाऊं। सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दी आपने। बागी हो चुके हैं उन सबके बच्चे। उन्हें बागी बना दिया गया है उनके वालिदैन की इन्हीं जिदों ने। अगर वो अपने बच्चों की बात को समझने की कोशिश करते तो वो घर कभी ना टूटते, ये सोचा आपने? तुम्हारे भले के लिए करता हूँ, और ये मुल्क से बाहर जाने का फैसला इसलिए नहीं किया था कि सारी तहजीब और रवायत को तुम भूल जाओ। कोई कुछ नहीं भूला है अबू, लेकिन अपनी जिद की वजह से आप भूल गए। मेरी खुशी मेरे ख्वाब। कौन सी खुशी कौन से ख्वाब? जो बोलना है खुल के बोलो। मैं मास्टर्स में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ूंगा। क्या इंजीनियरिंग नहीं करोगे? क्या करना चाहते हो फिर? वही जो हमेशा से पढ़ना चाहता था, फाइन आर्ट्स। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुमको मेरे घर पे रहना है
तो इसकी इजाजत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो फिर ठीक है, अगर आपको मेरा फैसला कबूल नहीं है तो मैं किसी दूसरे शहर जाके अपना ख्वाब खुद पूरा कर लूंगा। क्या कह गया ये खालदा, तुमने तुमने सुना ये क्या कह गया? जो सुनाया ना ठीक सुनाया। आपकी जिद में ना मैं अपना इकलौता बेटा नहीं खोऊंगी। वो छोड़ के जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। Is everything okay? It will be. वो actually It's okay आनिया। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जब तुम दोनों ही नहीं चाहते थे उसको रुकना तो बनता था ना। मैंने तुम्हारा मैसेज पहले दिन ही पढ़ लिया था, पढ़कर खुशी भी हुई थी। तुम इनकार ना भी करती आनिया, तब भी मेरा अब उसे यह सब कहना बहुत जरूरी था। पैकिंग कर रही हो अभी से? मैं अपने बेटे को ना पहले से यहाँ से लेके जा रही हूँ। जिस तरह आपने अपनी बहन से बात की है ना, अब मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अरे यार, मेरी तो बचपन से उससे नोकझोंक चलती भी आ रही थी, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। इसी गलत फहमी ने ना आपको बेहिस बना दिया। कभी किसी से माफी मांगी होती ना तो आज आपको पता चलता कि आपकी बहन आपसे नाराज है या उसने जब्त किया है। क्या हो गया तुम्हें? I've never seen you like this before. देखो अगर तुम अब भी उसमें इंटरेस्टेड हो ना, यू रियली लाइक हिम, तो आंटी से बात कर लो, क्या पता चांस हो। हाँ नहीं, दरअसल मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ। क्या मतलब? देखो ना, हर दूसरे मिनट में अपना फैसला बदलती हूँ मैं, और मामा ने भी जो किया मेरी जिद की वजह से किया ना, इसमें किसी और का कसूर तो नहीं है। पर मैं अगर ऐसे ही अपनी लाइफ में डिसीजन चेंज करती रहूँगी तो मैं कभी कोई सही फैसला कर ही नहीं पाऊँगी। तो फिर मामा मुझ पे और मेरे फैसले पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। आई थिंक मुझे मैच्योर तरीके से सोचना चाहिए। ओके फाइन, देखो तुम अपना मूड बिल्कुल ख़राब ना करो और एक दफ़ा बात कर लो ना, यू माइट हैव अ चांस। कोई फ़ायदा नहीं है, हम दोनों दोस्त ही सही हैं। एक मिनट, तुम ये उस मिथक की वजह से तो नहीं कर रही? दैट्स रियली स्टूपिड। हाँ, वो तो हर लड़के पे फिदा हो जाती है। तो एक तो मिद्दत की नहीं है, आई थिंक हमें वैसे भी सॉरी करना चाहिए। हमने उसका फोन चुराया, मैसेज डिलीट किया, ये सही तो नहीं है ना। मुझे उसे सॉरी करना चाहिए। कह तो सही रही हो, अपोलोजाइज करना तो बनता है। या रियली शुड करते हैं अपोलोजाइज। अगर हो सके तो तुम मेरी तरफ से भी उसको सॉरी बोल देना। अच्छा फाइन, करती हूँ मैसेज आके बाद। पर तुम अपना मूड ठीक करो, मैं वापसी में जुबैर को बोलूँगी हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाएं, हम लोग साथ में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, आराम करेंगे। ओके आशा,
मैंने आपसे एक बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। मैंने आपसे सॉरी कहना था। सॉरी क्यों? मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाह रहा था। थैंक यू किस बात का? पिछले दिनों में तुमने मुझे बहुत सी अहम बातें सिखाई हैं। ये एहसास दिलाया कि मुझे अपने हर ख्वाब को पूरा करना चाहिए। ऑफ कोर्स। इसीलिए मैंने अबू से कह दिया कि मैं मास्टर्स में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ूंगा। अगर उनका मेरा फैसला पसंद नहीं है तो मैं किसी दूसरे शहर जाके अपना ख्वाब खुद पूरा करूंगा। मैंने घर छोड़ने का तो नहीं कहा था उस। इसका यही हाल था। बाय द वे तुम्हें हानिया ने बताया है कि मैंने उसका मैसेज पहले दिन ही पढ़ लिया था। इसीलिए तो अपोलोजाइज करना था। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने आपका फोन चुराया और फिर बड़ी चालाकी से मैंने आपका पासवर्ड निकाला वो लैपटॉप के जरिए। एंड आई प्रॉमिस आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनी फिट। हानिया ने तुम्हें ये बताया है कि उस मैसेज में मेरे दिल की बात लिखी हुई थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन तब की बात और थी और अब की बात और है ना। पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जानने के बाद फीलिंग्स बदल भी तो सकती हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री। पहले वक्त और था, अब वक्त और है। पहले हमारी आपस में किसी की मुलाकात नहीं हुई थी। जो कुछ मैं सोच के आया था वो सब कुछ बदल चुका है। इसका मतलब आप मंगनी करने के लिए तैयार हैं? शायद, या एटलीस्ट कंसीडर कर रहा हूँ इस बात को। बहुत अच्छी बात है ना। मगर हानिया के साथ नहीं। फिर किससे? उसकी दोस्त है। That... What? कहाँ से बीच में आ गया? ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर कौन? तुम और कौन? I'm really lucky कि इस ट्रिप में तुमसे मुलाकात हुई है मेरी। अलैकुम। तुम? वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद वही जो आप कर रहे हैं। I highly doubt it. You can never be too sure, uncle. अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ चहलकदमी करने आई हो या कुछ और? कुछ और सोचने आई हूँ। और वो क्या? मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ जिसका हल ही नहीं निकल रहा। ओह, फिर तो मेरी और तुम्हारी सिचुएशन एक ही है। ये भी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ही हो। क्या मतलब? चलिए अगर प्रॉब्लम हम नहीं तो कम से कम सलूशन तो बन ही सकते हैं। खुल के बात करो, कैरी ऑन, क्या कहना चाह रही हो? देखिए ना, अना इंसान को अंधा कर देती है। अब डर तो इस बात का है कि कहीं इस गफलत में हम अपने अजीज और कीमती दोस्त को खो ना दें। चाहे वो अजीज दोस्त गलती पे क्यों ना हो, ये फैसला तो हम नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी, उनके फैसले। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अहम रिश्तों को कायम रखें। हाँ, शायद हम उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए। Exactly. अगर हम अपने अजीज दोस्त के लिए छोटी सी कुर्बानी दे देंगे तो क्या चला जाएगा? At least वो अजीज दोस्त हमारी जिंदगी में रहेगा ना। Thank you. Thank you. किस बात का? चीजें क्लियर हो गई ना। इस कन्वर्सेशन की बहुत जरूरत थी। What do you mean conversation की जरूरत थी? मैं तो भी इस पे बोला ही कुछ नहीं। यही कि इस वक्त मेरे अजीज की खुशी मेरी खुशी से सबसे ज्यादा है।
कॉन्वर्सेशन ने काफी कुछ क्लियर कर दिया। एटलीस्ट मैं भी काफी क्लियर हूं। स्मार्ट गर्ल। आशा कहाँ थी तुम? मैं ढूंढा था तुम्हें। यही अंकल के साथ वॉक कर रही। अब्बू के साथ? तो काफी अपसेट होंगे। अपसेट तो थे लेकिन काफी अच्छी डिस्कशन रही उनके साथ। हैरत है, दुनिया की बाहर लड़की हो जिसको उन्होंने अपनी बातों से भगाया नहीं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं भी वही सुनना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे बात पूरी नहीं करने दी। तुम्हें ऐसी बहुत सी खूबियां जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ। आई थिंक हम दोनों बहुत कंपैटिबल हैं। एंड आई डोंट नो, आई फील दैट यू मेक मी अ बेटर पर्सन। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मुझे किसी और बारे में बात करनी है। किस बारे में? आपने बताया कि आपने अंकल से कहा कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी। हाँ तो? तो आपने दिल की बात कही, इसमें कोई गलत नहीं है, मगर फिर क्या? फिर आपको गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर आपने अंकल को कहा कि आप घर छोड़कर जाना चाहते। ये सुनकर उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। ठीक है आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जाएं, लेकिन उनकी दुआएं साथ लेकर जाएं। तुम जानती नहीं हो कितने स्टबर्न हैं। हैं तो आपके अब्बू ना, और कोई भी बाप अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। सिर्फ एक दफा आराम से बैठकर उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं, उनसे माफी मांगे। करो ना माने तो? बात तो करके देखिए, ये रिश्ते बहुत अहम होते हैं। एक बार उन्हें अपना दोस्त बनाकर बात करें, क्या पता वो मान जाए। राशा, मेरी बात का जवाब। आनिया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, शुक्र तुम यहाँ हो। कुछ सोच रही थी और कर रही हूँ। किन बातों पर? उन बातों पर जिन पे मुझे बहुत पहले ही गौर कर लेना चाहिए था। तुम्हारा मूड तो ठीक है ना? क्या फर्क पड़ता है, मूड ठीक हो जाएगा। तुम्हें परवाह है मेरे मूड की? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं, छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। ये बताओ कहाँ थी तुम? मैं वो कहने गई थी कि कॉफी बनाए हम दोनों के लिए, ताकि हम सुकून से बैठकर ना कॉफी पिए। मुझे नहीं पीनी। हम दोनों के लिए बनवाई है ना? हम दोनों के लिए कॉफी बनवाई है, तो ऐसा करो मेरे हिस्से की भी तुम ले लो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। किसी ख्वाब से जुदा मत होना, ये आंखें तेरी बुझ जाएगी, तुझे आएगा नजर ना कोई।
कभी ना खोना किसी ख्वाब से जुदा मत होना प्रिया सॉरी यार कर रहे हो वैस दिखाओ मुझे हाँ दिखाओ यार दिखाओ मुझे तुमने सब बनाया ये amazing I'm impressed मुझे नहीं मालूम था मेरा बेटा इतना talented है I was wrong absolutely wrong बहुत खूबसूरत वैसे जो वालदैन होते हैं ना इनके जो अधूरे ख्वाब होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पूरे करें वो जो कि गलत बात है उनको वही करना चाहिए जो उनके दिल में होता है जो तुमने ख्वाब देखे उसको पूरा करो आई वॉज रॉन्ग आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आई मीन इट हानिया अरे उठ गई बेटा जी मामा अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा जाओ शाबाश जल्दी से करो मामा मुझे आपसे एक बात करनी है बोलो बेटा मामा आप दुनिया की बेस्ट मॉम है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मेरे बच्चे की तबीयत तो ठीक है ना बिल्कुल ठीक है और आपकी बेटी की तबीयत ठीक ही रहेगी खुश रहो अब जल्दी जाओ तैयार होकर आ जाओ जाओ शाबाश जल्दी से मेरे गर्म कपड़े रखे थे तुमने सूट इसमें हाँ जी जाहिर सी बात है रखने थे ना सब रख लिए थे मैंने अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम राशा कहाँ है राशा कहाँ कह रही थी कि उसे कॉलेज का कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया जी अम्मी हाँ वैसे अच्छा नहीं हुआ बता के जाना चाहिए था ये बात ना तो फेर हुई और ना ही लवली अच्छा नहीं किया उसने मिलके जाना चाहिए था अच्छी खासी गपशप लग गई थी उसे ब्रिलियंट गर्ल इसे ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था उसका जो एक दिन के लिए रुक नहीं सकता था वैसे तुम ही बेहतर जानती होगी कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो दो दिन के लिए रुक नहीं सकता था किसी ख्वाब से जुदा मत हो
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ। मेरा कॉलेज, मेरा हॉस्टल। ओके। वैसे यूं सबसे मिले बगैर अचानक क्यों चली आई? मेरी मर्जी। ठीक है। वैसे अपने पहले सवाल का जवाब मांगने का हक रखता हूँ या वो भी नहीं है? मैंने तुमसे कहा था उस जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। Fair enough. I respect that. उस? हम्म? कुछ नहीं। Sure. तुम यहाँ आए कैसे हो? मैं लाई हूँ। इतनी अनॉइंग फ्रेंड को बर्दाश्त करने के लिए एंड आई एम सॉरी। अब वो किस लिए? तुम जानती हो मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रही हो। देखो दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मैं जिंदगी में जो भी फैसला लूंगी मैच्योरिटी के साथ, तो समझो ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला मैच्योर फैसला है। और वैसे जवाब तो तुमने दे दिया है मगर अगर एक दफा मेरी तरह माइंड चेंज करके देखो तो क्या हर्ज है? चलो सोचा जा सकता है। आई मीन एक दूसरे को जानने में क्या हर्ज है? यू नो ना मेरे स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है तो फिर एक मैच हो जाए जिसके कम स्कोर हुए आज रात का डिनर उसकी तरफ से। चैलेंज एक्सेप्टेड अगेन। डन गेट रेडी अवेस आज रात का डिनर तुम करा रहे हो। चलो राशा इसको दिखा देते हैं कि किस टीम से पंगा लिया है।